द स्लगटेरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है सर। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आपकी मदद से हम क्या क्या कर रहे हैं। SIT हमेशा से अपने अनोखे रिसर्च के लिए जाना जाता है, और ये रहे हमारे दो टॉप साइंटिस्ट्स। टोबायस ग्रेविटी से ग्रेविटी को लेकर नए नए अजूबे कर रहे हैं। ये देखकर आपको खुशी जरूर हुई होगी। एक बार मेरी जीरो ग्रेविटी मशीन से खराबियां सुधार दो, उसके बाद स्लगटेरा में हमारा राज होगा। कैथरीन के पास साउंड को लेकर बेहतरीन आइडिया है। साउंड दिखाई नहीं देती पर उनके इफेक्ट्स काफी पावरफुल होते हैं। और मेरे बारे में क्या प्रोफेसर, क्या तुम मिस्टर मनी बैग के इन्वेंशंस के बारे में नहीं बताओगे? डॉक्टर कोलोस की आर्टिफिशियल स्लग टेक्नोलॉजी पर रिसर्च कर रहे हैं। सर, क्वेंटिन की बकवास रिसर्च पर ध्यान मत दीजिए, मैं आपको मेरे कुछ और खोज दिखाता हूँ। मैंने तुमसे कहा था कि दोबारा वापस मत आना, तुम और तुम्हारे पागल रोबोट्स। तुम मुझसे कभी छुटकारा नहीं पा सकते। तुम्हारी एंटी ग्रेविटी मशीन किसी काम की नहीं है टोबायस। और ना ही तुम्हारा ये बेकार सा साउंड एम्पलीफायर। अब चलो फ्यूचर से बात करते हैं, मेरे फ्यूचर से। हमें मदद चाहिए। आज से यहाँ के सारे रिसर्च मैं ही डायरेक्ट करूंगा, ओके? शेन, तुम्हारी मदद चाहिए, जल्दी। इस गुफा में सिर्फ मेरा साइंस चलता है। देखो मेरा रोबो स्लग्स। गुफा, मैं हमेशा से यहाँ आना चाहता था। ये साइंस की बात छोड़ो जी, मुझे कुछ नहीं जानना, मैं तो अपनी इंस्टिंक्ट्स पे काम करता रहा। और मेरे इंस्टिंक्ट्स कह रहे कि लंच टाइम हो गया, और अगर ये साइंटिस्ट इतने बड़े जीनियस रहे तो ये होटल उन्होंने कहाँ गायब कर दिए? उन्होंने सारे लोगों को कहाँ गायब कर दिया, और मुझे तो कोई स्लग्स भी नहीं दिख रहे। सारे स्लग्स छिप गए हैं, और मैं हूँ कैथरीन। तो तुमने ही बदमाश साइंटिस्ट के बारे में कंप्लेंट की थी। क्विंटन हमेशा से ही अजीब रहा है, और इस बार तो उसने सारी हदें पार कर दी। तो क्या किसी ने भी उसका सामना नहीं किया? हम साइंटिस्ट हैं, स्लग्स लिंगर्स नहीं है, इसीलिए हमने तुम्हें बुलाया है। हाँ, सही कहा। मैं ऐसी दुनिया देखना चाहता हूँ जहाँ लोग सिर्फ मेरे ही रोबो स्लग्स इस्तेमाल करेंगे। इससे मुझे याद आया, अगर किसी के पास रोबो स्लग मिला तो उसे सजा मिलेगी। मुझे तुम्हारी ये बकवास नहीं सुननी। ये क्या? मेरी बात खत्म नहीं हुई थी। हाँ, मुझे लगता है खत्म हो चुकी है। मैंने सोचा था बात करके हम इसे सुलझा सकते हैं, पर तुम आसानी से मानने वालों में से नहीं लगते। मुझे लगता है कि तुम अब तक मुझे ठीक से जानते नहीं हो, एलाय शेन। मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। तो मेरे काम के बारे में सुना ही होगा। मैं तुम्हें सही काम करने का और लोगों से माफी मांगने का एक आखिरी मौका दे रहा हूँ। नहीं तो हम लड़ेंगे। सही पहचाना। वाह, अब आएगा मजा। तुम्हारे कंधे पर जो स्लग है, मैं उसे खत्म कर दूंगा। तुमने मेरे स्लग्स का मजाक उड़ाया है, ये अच्छा नहीं किया। स्पीशीज इन्फर्नस अटैक मोड्स फ्लैश फायर इन्फर्नस नोवा क्लॉ। उस स्लग से निपटने का तरीका ढूंढो। बॉबी,
क्या तुम ठीक हो? तो लड़ाई शुरू होने से पहले ही हार गए। मैंने सारी स्लिंगर्स की इन्फॉर्मेशन पहले से ही निकाल कर रखी है जिसने कभी स्लग शॉट किए हैं, जिसमें तुम, तुम्हारे दोस्त और तुम्हारे डैड विल शेन भी शामिल हैं। वो तुम्हें एक मिनट में हरा देते, मुझे शायद दो मिनट लगेंगे। तुम्हारे डैड भी बिल्कुल तुम्हारी तरह एक स्लग लवर थे। तुमने एक जैसे एराकनेट स्लग की चाल 17 बार लड़ने के लिए इस्तेमाल की है और तुम्हारी ये चाल इस बार भी नाकामयाब रही है और मेरे रोबो स्लग्स तुम्हारे बकवास स्लग्स और पुरानी तरकीबों से जीतते ही रहेंगे। तो शायद मुझे तुम्हें कुछ नई तरकीबें दिखानी होंगी। क्या इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है? स्मार्ट स्लग स्लिंगर हमेशा पागल साइंटिस्ट को हरा देंगे क्विंटन। खेल खत्म। खत्म? जब मैं वापस आऊंगा तो तुम्हें दिखा दूंगा। तुम अब भी यही हो? सही का, जल्दी से भाग जाओ यहाँ से। हम लोग तब तक थोड़ी अरे थोड़ी सी पेट पूजा कर लेते ना। हमें उसके लिए तैयार रहना होगा। मुझे लगता है वो जरूर वापस आएगा। वो जरूर अपनी सीक्रेट लैब में गया होगा। होश में आओ कॉड, तुम वीडियो गेम्स को ज्यादा ही खेलते हो। सारे साइंटिस्ट के पास सीक्रेट लैब्स नहीं होती। महान एलाय शेन और उसके बकवास स्लग्स, उसे लगता है कि उसके पास हर ताले की चाबी है। उसे पता नहीं है कि साइंस क्या कर सकता है। अब मैं उसे दिखाऊंगा कि अब आगे क्या होगा। ओ जरूर नहीं नहीं होगा। जरा एक मिनट रुको जी। मुझे लगता है उसके पास ऐसा हथियार होगा जिससे वो हम पर हमला करेगा। ला ले दो जी, उसे अपने खतरनाक हथियार ला ले दो। एक बार प्रॉन्टो अपना पेट भर लिया ना तो वो किसी भी हथियार से लड़ सकता। बस एक ही प्रॉब्लम है जी, तुम लोगों के पास इस कैन का ओपनर है क्या? बुरा हो गया जी। ओ, तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे साथ आगे क्या होने वाला है। अब तैयार हो जाओ मुकाबले के लिए। निकास पर चलो। गॉड, उस पर हमला करो। इलाय, अब क्या करें? बस जिंदा बचो। Frost crawler slug, fireball protection. Flopper slug. Protection की जरूरत नहीं है। चेक कर रहा था। उसका कोई वीक स्पॉट जरूर होगा। बकवास शॉट ट्रिक्सी, पर मेरा कोई वीक स्पॉट नहीं है। तुम और तुम्हारे ये बकवास लग ही सबसे बड़े वीक स्पॉट हो। तो अब क्या करें? मुझे ये कहना पसंद तो नहीं, पर भागना होगा। बस इतना ही? भागो स्लग लवर्स, मेरी कमाल की टेक्नोलॉजी से डर कर भागो। देखा, एलाय शेन भी तुम्हें मुझसे नहीं बचा पाया। ये तो काफी शर्मनाक बात थी। देखो, ऐसी कोई बात नहीं है।
क्वेंटन के पास कमाल की टेक्नोलॉजी है, इसका मतलब ये नहीं कि वो जीत गया। मेरा हॉपरॉक्स लग तो उसे छू तक नहीं पाया। अरे हुल्या, हुल्या, हुल्या। रुको, 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 तुम उस बेकसूर पत्थर को क्यों मार रहे हो? भाई सिद्धि गेंद को इस पत्थर से खोलने की कोशिश कर रहा हूँ जो नहीं खुल रहा जी। हाँ, खुल्या, खुल्या। अच्छा हुआ तुम सही सलामत वापस आ गए, पर इस आवाज से तुम सेफ नहीं रहोगे। मैं एक जगह जानती हूँ जहाँ हम छिप सकते हैं। एक सीक्रेट लैब होगा शायद। प्लीज। ठीक है मैं गलत थी। सभी साइंटिस्ट के पास एक सीक्रेट लैब होता ही है। वैसे क्विंटन की प्रॉब्लम क्या है, वो स्लग से नफरत क्यों करता है? वो सिर्फ नफरत नहीं करता, वो उनसे डरता भी है। वाकई? ये सुनकर अच्छा लगा। तब से जब वो एक्सीडेंट हुआ था जब हम छोटे बच्चे थे, जब हम स्लग बायोलॉजी डिपार्टमेंट फील्ड ट्रिप पर गए हुए थे, क्विंटन को हमेशा से बंद दरवाजे खोलना अच्छा लगता था। वो वहाँ दो दिन था जब तक सिक्योरिटी ने उसे ढूंढ नहीं लिया, तब से वो बिल्कुल बदल गया है और उसकी सारी खोज स्लग्स के बगैर जीने पर है। हाँ, स्लगोफोबिया, शायद इससे बात बन सकती है। अरे जालिम और जिद्दी खान, तू अपनी जिद से मुझे बहुत बहुत गुस्सा दिला रहा है। ओके। प्रॉन्टो, तुम एक जीनियस हो। क्या जीनियस? क्या कहा? मैं जीनियस हूँ जी। मैंने क्विंटन को हराने का तरीका ढूंढ लिया है, पर कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत है। जो चाहिए वो सब हमारे पास है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी हमें थोड़े वक्त की जरूरत है। उसके लिए मेरे पास कुछ अच्छे आइडियाज हैं। हाँ, ये कितना बोरिंग है। महान होने का फायदा क्या है अगर मैं लोगों पर राज नहीं कर सकता हूँ तो? एलाई शेन, मैं राउंड 3 के लिए तैयार हूँ, तुम कहाँ हो? अभी वो बिजी है, पर मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। फिर आ गए तुम एंटी ग्रेविटी लेकर। तुम कब सुधरोगे? उससे मेरा तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मुझे इसके लिए मेरा रोबो स्लग भी वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। जितना तुम खुद को स्मार्ट समझते हो, ये पत्थर फेंकते वक्त तुम उतने ही जंगली लगते हो। शर्म की बात है। भागो, भागो जंगली, तुम मुझसे नहीं बच पाओगे। बस तुम्हें इतना ही याद रखना है, घबराओ मत नूडल, तुम ये कर पाओगे। बाबा, मुझे नहीं लगता कि एक बेकार स्लग हम लोगों को जीता सकता जी। कोई भी स्लग बेकार नहीं होता प्रॉन्टो, फ्लॉपर्स भी नहीं। तो बस हार गया है, मैं जा रही हूँ। याद रहे, उसे बस रोकना है, हीरो बनने की कोशिश मत करना और खुद को चोट मत पहुँचाना। अच्छी सलाह है। जाओ वापस अपने लैब में। क्या बात है टोबायस, क्या हुआ, कुछ कहोगे नहीं? मेरे पास कहने के लिए कुछ है। इसमें मजा आएगा। अरे ये तो शायद कैथरीन की आवाज है। उसके सामने कभी चिल्लाने की शर्त मत लगाना। कॉर्ड, काम हो गया? जाने के लिए तैयार। तो तैयार हो जाओ दोस्तों, चलो अब इस क्विंटन को हराया जाए शेन गैंग स्टाइल में। मुझे जाने दो क्विंटन। 400 डेसिबल में भी तुम्हारी आवाज में दम नहीं है। हा? उसे नीचे रखो क्विंटन। हमारा ये नया मेगा मेका मैक तुम्हारे उस पुराने मेका को चुटकी में हरा देगा। उसे आराम से नीचे रखो क्विंटन और अपने हाथ ऊपर करो, हम तुम्हें हराने वाले हैं। मजाक अच्छा था। मैं इस मशीन पर सालों से काम कर रहा हूँ, तुम्हें ये बकवास मशीन बनाने में कितना वक्त लगा? 5 मिनट? 45 मिनट, समझे? इसे पर बात करने के लिए मुझे इससे भी कम वक्त लगेगा। वाँ।
तीन हिस्से बर्बाद हो चुके हैं बुरी तरह से। जरा करीब जाकर उस पर ट्रिपल कॉम्बो से हमला करो। आइस अटैक, इन्फर्नस प्रोटेक्शन डाउनलोड कर लिया। ये कितना बोरिंग है। रीटार्गेटिंग। हाई फाइव ट्रिक्सी। पता है स्लग के बारे में एक प्रॉब्लम है, उन्हें ढूंढना पड़ता है, ट्रेन करना पड़ता है, उनका ख्याल रखना पड़ता है, पर हम ये सब क्यों करें जब हम अनगिनत स्लग्स पैदा कर सकते हैं और मेरे पास ये है। उसने हमला कर दिया है, राइट में चलो। नहीं लेफ्ट जाओ। मेरे राइट को भी तुम्हारे राइट को। कोई बात नहीं ट्रिक्सी। कॉर्ड, तुम्हारे पास दूसरा हाथ है ना, उसे इस्तेमाल करो। ये क्या? अब क्या करें हिला? जैसा कि तुम जानते हो इस प्लान के 87% चांसेस है फेल होने के। हिला अपना काम कर रहा है, हमें अपना काम करना चाहिए। देखने की बात यह है कि मैं तुम्हें और कितनी देर तक परेशान करूं। चलो चलो। अरे यार रुक जाओ। शायद थोड़ी देर और। गैरोस जल रहे हैं, ये मशीन अब ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली। देखो भी यार, टेक्निकली तो लगता है कि हमारा अंत होने वाला है। कंट्रोल छूट रहा है। मेरा भी। मिया, मैं पूरे कंट्रोल में ही हूँ। शर्मनाक बात है, अब तो मैं छोड़ूंगा नहीं। कोशिश करके देखो। हिम्मत की साथ देता हूँ। और एक बात याद रखो, तुम्हें हराते वक्त मैं तुम्हें तुम्हारी आंखों में देखना चाहता हूँ। क्या तुम्हें लगा हम एक रोबोट बना रहे हैं तुम्हारे रोबोट को हराने के लिए, वो भी सिर्फ 45 मिनट में? तुम्हें क्या लगता है हमें इतनी भी समझ नहीं है? हमने तो बस एक कैन ओपनर बनाया है। और तुम इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो कि तुमने मुझे ये करने का मौका दिया। अपना कमाल दिखाओ नूडल। फ्लॉपर स्लग मेरे ऊपर। वक्त आ गया है। मैं यहाँ हूँ मिस्टर स्मार्ट, जहाँ सब शुरू हुआ था। और खत्म मैं करूँगा, तुम्हारे लिए ड्रॉ हो जाएगा। ब्लास्टर खाली है, मैंने यहाँ तक आने के लिए सारे स्लग्स खत्म कर दिए। यहाँ आओ, तुम्हें हराते वक्त मैं तुम्हारी आंखों में देखना चाहता हूँ। तुम हराओगे मुझे, वो भी बिना ब्लास्टर और काल्पनिक स्लग्स के साथ? मेरा ब्लास्टर खाली है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास स्लग्स नहीं है। बहुत अच्छे दोस्तों, तुम्हें ट्रांसफॉर्म भी नहीं होना पड़ा। बहुत अच्छे इलाय। अच्छा है ये चीज टूटी नहीं जब तक वो, वो। तुमने मुझे बचाया। बस करो, गुदगुदी हो रही है। मुझे कुछ नहीं हो रहा है, पता नहीं मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं। शुक्रिया,
चलो शुरुआत तो अच्छी है। जज साहब यहाँ आने ही वाले हैं, तुम्हें उन्हें बहुत कुछ कहना होगा क्विंटिन। इस बीत का जो बोलने का आसान तरीका भी होगा जी। अब तुम्हारे हवाले। hey, तुम तो मेरे वकील नहीं हो। बहुत जल्दी पहचान लिया, सुना है कि तुम स्मार्ट हो और तुम्हें पता है मैं स्मार्ट लोगों की बहुत इज्जत करता हूँ।